दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और जो हरियाणा के चुनावों की घोषणा से पहले भी और बाद भी चर्चाएं चल रही थीं, क्या इंडिया गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनावों में कुछ चुनावी गठबंधन करेगा। दोस्तों हकीकत तो ये है कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से चुनावी गठबंधन से इनकार कर दिया था और खुद आप नेताओं ने भी ये कह दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब हम देखें तो हरियाणा में केवल इनेलो और बसपा चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी भाजपा अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, आप अकेले चुनाव लड़ रही है। तो कुछ ऐसी आवाजें राजनीतिक गलियारों से निकलकर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के जुड़े नेता या दल बेशक चुनावी गठबंधन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के नेता अघोषित चुनावी गठबंधन अवश्य करेंगे, जिससे कि वो भाजपा को जीत से बाहर रख सके। इनको आप इंटरनल चुनावी घोषणा भी कह सकते हैं, घोषित चुनाव भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि घोषित चुनावी गठबंधन तो हरियाणा में नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इंटरनल सेटिंग जरूर होगी, यानी कि जहां जिसका दाव चलेगा या ये देखा जाएगा कि भाई जहां कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है तो वहां आप पार्टी अपना कोई हल्का उम्मीद उतार सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि जब 9.5 साल तक जजपा और भाजपा ने मिलकर इकट्ठे सरकार चलाई और लोकसभा चुनाव से पहले ये भी संभावनाएं थी कि ये दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव गठबंधन करके लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी चुनावी गठबंधन करके लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही दोनों दलों के बीच इतनी खटास आ गई कि जब नायब सिंह सैनी 9.5 साल के बाद मनोहरलाल खट्टर की जगह नए सीएम बनाए गए तो नायब सिंह सैनी सरकार में जजपा को शामिल नहीं किया गया और अब तो दोनों के बीच में इतनी खटास और दूरियां बढ़ चुकी हैं भाजपा और जजपा के बीच में कि वो एक दूसरे को फूटी आंख से देखना पसंद नहीं करते। यदि भाजपा के नेताओं की उनके प्रवक्ताओं की बात पर जाएं तो दोस्तों उनका इस बार ये भी दावा है जजपा नेताओं का कि यदि चुनाव के बाद कोई ऐसे हालात बने कि भाजपा बहुमत में नहीं आई, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इस बार भाजपा का तो सत्ता में लौटना संभव नहीं है, लेकिन एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि इस तरीके के हालात बने तो जजपा किसी भी कीमत पर चुनाव के बाद भाजपा को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी वो भाजपा के अलावा किसी को भी सपोर्ट कर सकती है सरकार बनाने के लिए, वो कांग्रेस के साथ भी जा सकती है,
कांग्रेस के प्रति भी उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, और बेशक कांग्रेस जजपा के साथ कोई चुनावी गठबंधन नहीं कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इंटरनल गठबंधन अवश्य होगा, न केवल जजपा के साथ, इस तरीके की नीति बसपा और इनेलो के साथ भी अपनाई जा सकती है, जिससे कि भाजपा को बहुमत में आने का अवसर ही ना मिले। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि बेशक हरियाणा में चुनावी गठबंधन नहीं हो रहे हैं, लेकिन इंटरनल गठबंधन ऐसे जरूर है विपक्षी दलों में कि वो भाजपा को हराने के लिए आपस में ऐसा तालमेल कर सकते हैं पर्दे के पीछे कि जिससे कांग्रेस को नुकसान ना हो, जजपा को नुकसान ना हो, इनेलो को नुकसान ना हो, और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हराया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि हरियाणा में चुनावी गठबंधन ना सही, लेकिन इंटरनल गठबंधन संभावित हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर नए किसी मुद्दे पर। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।